हेलो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं हम ड्रामा से तेरे बिन के बिहाइंड द सीन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन, जो कि पाकिस्तान का टॉप ऑफ द रेटिंग में ड्रामा सीरियल गया है, जिसमें वहाज और यमुना जैदी ने बहुत ही खूबसूरत सी एक्टिंग की है और इनकी जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी। जी फ्रेंड, आपको दिखाएँगे के बिहाइंड द सीन की जितने भी सीन्स हैं इनको करते हुए यमुना जैदी ने और वहाज अली ने कितनी ज़्यादा इन्जॉयमेंट की है, कितनी ज़्यादा मस्ती की है। तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत मिले। या फिर आपको बताते चलेंगे हमने ड्रामा सीरियल तेरे बिन के अंदर बहुत ही मज़े के सीन देखे, जिसमें वहाज और यमुना जैदी ने इनको करते हुए इनको कितनी ज़्यादा मुश्किल आई, और यमुना जैदी बहुत ही ज़्यादा आजमुख है और वो हर वक्त मजाक के मूड में रहती है, इसलिए वो जब भी सीन कोई सीरियस सीन होता था तो वहाज को वो ख़ुद भी हंसी उनको आ जाती थी और वहाज को भी जो है वो हंसी आ जाती थी। जब फ्रेंड्स आपको बताते चलें कि जो ड्रामा सीरियल हमारे सामने बनकर आते हैं, लेकिन उनके बिहाइंड द सीन बहुत सारी ऐसी मस्तियाँ और ऐसी जो है इनकी नटकटियाँ सी होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं फैंस को भी, और फैंस इन मस्तियों को भी देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वहाज की और यमुना जैदी की जोड़ी कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको वहाज और यमुना की जोड़ी कैसी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही मज़ेदार सी और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकॉन क्लिक करें, बेल आइकॉन पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं इसी तरह की मस्त और बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ। इसी दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और मुझे दुआ में याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।